अब देखो, हमें ये तो पता है सॉलिड्स आर द मटेरियल विच हैज डेफिनेट शेप एंड साइज, और ऐसा क्यों होता है? Because atoms and molecules very close to each other. And each molecule is surrounded by neighboring atoms or molecule. These atoms or molecules are held together. Excuse me, by अगर एटम हो गए तो इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड स्टे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन. ठीक है, ये मेन रीजन है जिसके कारण सॉलिड का डेफिनेट शेप एंड साइज होते हैं. ठीक है, क्या कहा हमने? हमने कहा है सॉलिड्स को डेफिनेट शेप एंड साइज है. बिकॉज क्यों है? बिकॉज सॉलिड्स हैव एटम्स और मॉलिक्यूल्स. देयर मे बी सम जहां पर सिर्फ एटम हो गए, ऐसे कुछ हो सकते हैं जहां पर ग्रुप ऑफ एटम जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं वो रहेगा. So, ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड ईच मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ठीक है, बहुत पास पास में होते हैं. सो पास पास में होने के कारण डेफिनेटली उनके कुछ ना कुछ इंटरेक्टिव फोर्सेस रहेंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन रहेगी. ठीक है, फिर हम आगे कहते हैं दिस एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टूगेदर बाई इंटर एटोमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, ये एटम्स और मॉलिक्यूल जो है ये एक दूसरे के साथ इंटर एटोमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ जुड़े हुए रहते हैं एंड दे स्टे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन. इसके कारण होता क्या है, ये जो हमारे सॉलिड है ना, जैसे देखो हम एक डायग्राम निकालते हैं.
चल तुम ये काय काढ लो। देखो अभी इसे अपन पूरा कर देंगे। दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इस प्रकार से इंटर एटॉमिक फोर्सेस रहने वाले हैं। और ये एक दूसरे के साथ इस प्रकार के फोर्स के कारण बॉन्डेड रहने वाले हैं, ठीक है? सर फिर आपने ये ऐसा क्यों दिखाया है? क्या इस प्रकार से हमने कभी स्प्रिंग निकाले थे क्या? ये हो गया हमारा सॉलिड, ठीक है? और ये आइदर एटम या मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है? ये इस प्रकार से ये स्प्रिंग लाइक इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेगा। इसे स्प्रिंग लाइक क्यों कहा है? क्योंकि आपको स्प्रिंग का नेचर पता है। क्या नेचर पता है सर हमें स्प्रिंग का? तो देखो ये अगर कोई सपोर्ट है, ये स्प्रिंग की नेचुरल कंडीशन है। आपने स्प्रिंग को इस प्रकार से कॉम्प्रेस किया, क्या होगा? इस प्रकार से स्प्रिंग का इलोंगेशन किया, क्या होने वाला है बताओ मुझे? आपको पता है सर यहां पर ये एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, सही है? देखो क्या कहा हमने, हमने कहा है ये स्प्रिंग के बारे में हमने पढ़ा है। दीज आर थ्री डिफरेंट सिचुएशंस। सिचुएशन वन, दिस इज स्प्रिंग इन न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन में क्यों है? क्योंकि यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फिर कंडीशन टू में क्या हुआ? कंडीशन टू में
यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कैसा है, ये स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन कर रहा है। अब इसके कारण क्या हुआ, ये स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है। कितना रिस्टोरिंग फोर्स रहता है, तो जितना एक्सटर्नल फोर्स रहता है उतना ही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा। और फिर ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण होने वाला कॉम्प्रेशन ऐसे पॉइंट तक जाकर रुक जाएगा जिस मोमेंट पर एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल हो जाएंगे, दिस विल बी इन बैलेंस कंडीशन, ठीक है। जब ये एक्सटर्नल फोर्स चला जाएगा, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को वन वाले कंडीशन में लेकर आएगा। कंडीशन थ्री में क्या हुआ, कंडीशन थ्री में हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस स्प्रिंग का इलोंगेशन किया, इलोंगेशन करने के कारण क्या हुआ, स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण कितना इलोंगेशन हुआ है, तो इतना इलोंगेशन हो गया सो दैट ये इंटरनल जो रिस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड इतनी नहीं हो जाती है और डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन तो अपोजिट ही रहेगी। सो इस स्प्रिंग पर एक्ट होने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नाउ इट विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, इस केस में रहेगा। जिस मोमेंट पर ये एक्सटर्नल फोर्स चला जाएगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स वापस इसे अपने ओरिजिनल कंडीशन पर लेकर आएगा, ठीक है। यहां पर हमने लिखा जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे, इट इज एक्चुअली स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज अवर स्प्रिंग फोर्स। ये क्या कैसा रहता है, इट इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स एंड विल ट्राई टू ब्रिंग स्प्रिंग इन न्यूट्रल पोजिशन। न्यूट्रल पोजिशन में कब लाएगा, जब एक्सटर्नल फोर्स रिमूव हो जाएगा, या एक्सटर्नल फोर्स अगर है तो इक्विलिब्रियम पोजिशन में लाने की कोशिश करेगा। सो ये स्प्रिंग का वर्किंग है, हमें पता है सर, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब हमारा कहना क्या है, हमारा कहना ऐसा है कि ये जो सॉलिड है ना, इसके जो मॉलिक्यूल्स है या इसके जो एटम्स है, इनके बीच का जो इंटर एटोमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, ये बिल्कुल स्प्रिंग जैसा है। इसकी क्या खासियत रहती, इसकी खासियत ऐसी रहती है कि वो न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करता है अनलेस एंड अनटिल वहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स है तो फिर ये क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स इसे खींच रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये खींचने वाला एक्सटर्नल फोर्स है, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इसको ओरिजिनल कंडीशन में लाने वाले कंडीशन के तरफ डेवलप हो जाएगा। अगर ये कॉम्प्रेस हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस प्रकार से डेवलप होगा, ठीक है। सो बेसिकली हम इस प्रकार से सॉलिड को स्प्रिंग एंड बॉल मॉडल के इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं। स्प्रिंग एंड बॉल मॉडल तो इसके कारण होगा क्या सर, इसके कारण ऐसा होने वाला है कि जब एक्सटर्नल फोर्स है, क्या स्प्रिंग का शेप चेंज हुआ है, हाँ सर, तो इस सॉलिड का भी शेप चेंज होगा। बट मतलब क्या, एक्सटर्नल फोर्स लगा, शेप चेंज हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ, बट जब एक्सटर्नल फोर्स चला गया तो इस रिस्टोरिंग फोर्स ने इसे न्यूट्रल पोजिशन पर, मतलब ओरिजिनल शेप एंड साइज पर लाकर रखा। वैसे ही यहाँ पर जब एक्सटर्नल फोर्स चला जाएगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस
इसको ओरिजिनल शेप एंड साइज में लेकर आएंगे, हम इसे ही इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिसिटी या मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, सॉलिड में इस प्रकार से मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट होने के कारण सॉलिड्स इस प्रकार से बिहेव करते हैं। देयर आर सम मटेरियल जो इलास्टिक नहीं है, वहां पर इस प्रकार से ये फोर्सेस नहीं काम करते हैं, स्प्रिंग फोर्सेस। ठीक है, क्या ध्यान में आ रहा है? हाँ बोलो। बुक में ये डायग्राम में जो बॉल्स हैं उसके बाजू में डैश लाइन या माइनस की साइन है, वो क्यों है? वो डैश की साइन मतलब यहाँ पर आगे ये कंटिन्यूअस रहेगा ना, सॉलिड इतना ही थोड़ी है, ये तो हम बस जस्ट रिप्रेजेंटेटिव कुछ दिखा रहे, ये तो बहुत बड़ा रहेगा सभी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ। ठीक है, सॉलिड में सिर्फ क्या इतने 6 और 6 12 और 6 18 18 मॉलिक्यूल थोड़ी रहते हैं, वहां पर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव करके है। तो मतलब देखो, अगर हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा, हमने फोर्स लगाकर इस मॉलिक्यूल को यहां पर खींचा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल यहां पर आ गया, पर इसके कारण होगा क्या, उस मोमेंट पर, उसी मोमेंट पर ये जो स्प्रिंग है इसका इलोंगेशन होगा, इस स्प्रिंग का भी इलोंगेशन होगा और इस स्प्रिंग का भी इलोंगेशन होगा। अब इलोंगेशन होने के बाद क्या होता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आता है, ये क्या करेगा, ये इस बॉल को अपने ओरिजिनल जगह पर लाने की कोशिश करेगा। सो अभी जब तक ये खींचने वाला फोर्स है, जब तक ये खींचने वाला फोर्स है, तब तक ये बॉडी का शेप इस प्रकार से डिफॉर्म रहेगा, बट जिस मोमेंट पर ये एक्सटर्नल फोर्स चला जाएगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स इसे अपने ओरिजिनल कंडीशन पर लेकर आएगा। सही है, तो इस प्रकार से सॉलिड के कंस्ट्रक्शन के कारण, सॉलिड के स्ट्रक्चर के कारण वहां पर सॉलिड इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर हम करने वाले हैं, जैसे इसके पहले कहा था, क्या आप ये इंटरनल फोर्स की वैल्यू निकाल पाओगे क्या यहां पर? यस सर। कितनी रहेगी सर? वो स्प्रिंग फोर्स के इक्वल रहेगी, मतलब के इनटू एक्स रहेगी, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उतना। बिल्कुल सही है। सो हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में। आपको क्या आइडिया है कि ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की साइज कितनी रहेगी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? इट विल बी इन द रेंज ऑफ एमस्ट्रॉन्ग यूनिट्स। ठीक है, 10 to the power -10, ये मिलीमीटर नहीं, माइक्रोमीटर नहीं, उससे भी कम डिस्टेंसेस रहते हैं। क्या इनको मेजर करना आसान रहेगा? और ये तो डिस्टेंस है, ये जो डिफॉर्मेशन कह रहे, ये जितनी इसकी लेंथ बड़ी है ये तो और कम रहने वाली है। ठीक है, ये तो और कम रहने वाली है, तो क्या इसको मेजर करना इतना आसान है? नहीं सर, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। और क्या सिर्फ एक स्प्रिंग डिस्प्लेस होगा क्या? नहीं सर, ये तो सभी स्प्रिंग में थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल सही है, अभी सिर्फ हमने दिखाया नहीं, नहीं तो अपना बहुत सारा टाइम पास हो जाएगा। सभी की पोजीशन, सभी में थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मेशन आएगा, इसलिए ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स तो रहेगा। बट अभी मुझे बताओ, क्या इस बॉल की मोशन हो रही है क्या? मैंने फोर्स लगाया, ये थोड़ा सा इसका शेप चेंज हो गया, डिफॉर्मेशन हुआ, क्या ये कंटिन्यूअस होते ही रहता है या एक पॉइंट पर जाकर रुक जाता है? रुकता है। मतलब क्या इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट हो रहा है क्या अभी? No. नहीं,
मतलब क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं है क्या? नहीं, फोर्स तो है, पर नेट फोर्स जीरो हो गया बिकॉज नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज एट रेस्ट। नेट फोर्स जीरो है, उसका एक्सीलरेशन बंद हो गया। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो मतलब एक फोर्स हमें पता है, ये एक्सटर्नल जो हमने लगाया हुआ है। दूसरा फोर्स कौन सा है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। सो अब नेट फोर्स जीरो है तो क्या ये एफ एक्सटर्नल जितना रहेगा उतना ही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स रहने वाला है? क्या उतना ही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा? आया ना? यस यस सर। यस सर। ओके, अगर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही रहने वाला है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है तो आप एक्सटर्नल फोर्स को काउंट कर लो ना। ये तो आपने लगाया हुआ है, इसे काउंट करना तो बड़ा आसान है। ठीक है, इसे काउंट करना तो बड़ा आसान है। सो एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बात ध्यान में आई? क्या आ गई बात ध्यान में? हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके झंझट में पड़ेंगे ही नहीं। हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स से इक्वल है, तो बस एक्सटर्नल फोर्स को कैलकुलेट करो, उतना ही इंटरनल फोर्स इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स रहने वाला है। एक्सटर्नल फोर्स चला गया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इसे ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आएगा। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ओके, इफ दैट इज द केस, हम आगे बढ़ते हैं। बस ये समझना जरूरी है कि हमारे इलास्टिक मटेरियल का बिहेवियर, सॉलिड का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो अगर ये ध्यान में आ गया तो हम आगे जाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, विच आर कॉल्ड एज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ऐसे कल हम कह रहे थे दिस स्ट्रेस इज नॉट अवर मेंटल स्ट्रेस, ये हमारा फिजिक्स का स्ट्रेस है। ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं। तो देखो, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप इन द बॉडी, ये तो हमने भी देखा है क्यों होता है। दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in direction to applied force। ठीक है, the restoring force per unit area is called as stress। ठीक है, this restoring force per unit area is called as stress। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया. अब हमने अभी कहा था रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया. जो आप लिखते हो स्ट्रेस को, विच इज जनरली डिनोटेड बाय सिग्मा, इज फोर्स अपॉन एरिया. ऑब्वियसली इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, एक्सक्यूज मी, स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, इसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्या सही है? Is it similar to tension? सर ये प्रेशर के सिमिलर है क्या? मतलब बिल्कुल सही क्वांटिटीज है क्या? ये टेंशन के सिमिलर नहीं, ये प्रेशर के सिमिलर है, क्योंकि प्रेशर भी क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो प्रेशर का जो यूनिट रहेगा पास्कल, वो भी यहाँ पर अप्लीकेबल हो सकता है. ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन कंडीशन आप इस स्ट्रेस को तीन अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हो. ठीक है, वहां जाने से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं. ये तो हो गया स्ट्रेस. ठीक है, अब मुझे बताओ, हमने ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उसके कारण क्या होने वाला है? हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उसके कारण क्या होने वाला है? बोलो. मॉलिक्यूल के मोशन, डिफॉर्मेशन होने वाला है बेसिकली. बिल्कुल सही है. अब मुझे बताओ, ये डिफॉर्मेशन होगा तो क्या शेप चेंज होगा क्या? ओके, सो देखो, ये स्ट्रेस जो है, इट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. वैसे ही बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स there will be deformation in body, that is shape and size of body will change. अब देखो, शेप हमेशा चेंज होगा क्या? तो नॉट नेसेसरीली, पर साइज तो चेंज होगी. मतलब क्या कह रहे हो आप सर? मैं ऐसा कह रहा हूं, फुटबॉल में हवा कम है तो क्या फुटबॉल श्रिंक होता है? जब आप उसमें हवा भरते हो तो अंदर का प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, और फुटबॉल की साइज चेंज होती है, क्या उसका शेप चेंज होता है? क्या फुटबॉल का शेप चेंज होता है? पहले भी स्फेरिकल रहता है, बाद में भी स्फेरिकल रहता है. बिल्कुल सही है. तो फुटबॉल का शेप चेंज नहीं होता है, बट उसकी साइज डेफिनेटली चेंज होती है. ठीक है, कुछ कंडीशन में दोनों भी चेंज होंगे. ठीक है सर, पर उसके पार्टिकल के जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो चेंज हो गया ना? बिल्कुल सही है, नहीं तो साइज कैसे बढ़ेगी? तो इसलिए फुटबॉल को आप रिजिड बॉडी कहते ही नहीं है. ठीक है, रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है. रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं होगा. ठीक है, यस सर. देखो, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स there will be deformation in body, that is shape and size of body will change. We define another property
द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ बॉडी is called as strain. ठीक है, the ratio of change in dimension to original dimension is called as strain. So आप लिखते हो strain equal to change in dimension upon original dimension. देखो, it is for example length change हुई है, ठीक है, तो change in length किस में मेजर करोगे आप? मीटर में ही मेजर करोगे. मीटर. ओरिजिनल डायमेंशन किस में मेजर करोगे? मीटर. मीटर. ठीक है, सो इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट ही नहीं रहेगा. दिस विल बी यूनिटलेस या डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ठीक है, इट इज यूनिटलेस या डायमेंशनलेस क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन. जैसे हमारे तीन स्ट्रेस रहेंगे वैसे हमारे तीन स्ट्रेस भी रहने वाले हैं. एक एक को देखते हैं. ठीक है, तो देखो देखो ओके. तो पहली कंडीशन है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. मतलब क्या? मतलब ऐसा इस प्रकार का कोई एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, और ये उसका हम कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हैं. ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब
आइदर इस प्रकार से नीचे अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो क्या होने वाला है? तो देखो ये जो एरिया है, इस एरिया पर कोई फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली यहां पर स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। यहां पर स्ट्रेस जो डेवलप होगा ये कितना रहने वाला है? फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, तो ये आ जाएगा स्ट्रेस। इसके कारण होगा क्या? इसके कारण रॉड की लेंथ चेंज होगी कुछ। इसकी ओरिजिनल लेंथ अगर एल है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इसकी लेंथ डेल्टा एल से चेंज हुई। ठीक है, इसकी लेंथ ये डेल्टा एल अमाउंट से चेंज हुई। ये ओरिजिनल लेंथ थी और अब ये छोटी सी लेंथ डेल्टा एल अमाउंट से चेंज हुई है। ठीक है, सो यहां पर हम स्ट्रेन लिखते हैं, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ एल है, अभी लेंथ चेंज हुई है डेल्टा एल, इसे कहा जाएगा स्ट्रेन। आया क्या ध्यान में? हाँ सर, बिल्कुल ध्यान में आ गया। अब ऐसा ये भी हो सकता है कि इस प्रकार का कोई एक हमारा सिलेंडर है और इस सिलेंडर को हमने नीचे कोई सरफेस पर रखा है, अब इसके ऊपर ऊपर से फोर्स लगाया। इवन दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब इसके कारण होगा क्या? सो ये कॉम्प्रेस होगा। शुरुआत में ये बड़ा था, अब इसका कॉम्प्रेशन हुआ है। दिस इज चेंज इन लेंथ। ये हमारी ओरिजिनल लेंथ थी एल, और ये है हमारा फोर्स। तो इस केस में भी आप कह सकते हो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो यहां पर ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारा सिलेंडर है, ये ऊपर किसी पोर्शन पर फिक्स है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके कारण इसका इलोंगेशन होगा, इसके ऊपर टेंशन एक्ट होगा। ठीक है, जब अपन ऐसा किसी को खींचते हैं तो उसमें टेंशन डेवलप होता है। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेन को कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कॉम्प्रेशन हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। एंड इसे कहा जाएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, अब कलेक्टिवली क्या यहां पर वन डायमेंशनल इलोंगेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल सही है, दिस इज वन डायमेंशनल। अगर ये वन डायमेंशनल है तो यहां पर हम इन दोनों केसेस को लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इस प्रकार से कहते हैं, और हम यहां पर डिफाइन करते हैं द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल
टू ओरिजिनल लेंथ एल इज नोन एज द रेशियो ऑफ The ratio of change in length delta L to original length L is known as longitudinal strain. ठीक है, this is one dimensional. इसलिए ये change in length upon original length आ रहा है. क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है. अब देखो, दूसरा टाइप क्या है हमारा? दूसरे टाइप में होता है व्हेन अप्लाइड फोर्स इज पैरेलल टू या is tangential to surface. सर ऐसा कब होगा? तो ऐसा देखो दो कंडीशन में होने वाला है. ये ब्लॉक है which is fix on ground. ठीक है, और यहां पर अब इस प्रकार से फोर्स लगा. मुझे बताओ बरे क्या होगा? आप कहोगे कि सर ये ब्लॉक, ये बॉक्स, ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा. क्या होता है क्या ऐसा? अभी आपके साथ ही हो सकता है. बड़ी मोटी किताब अगर होगी ना, तो वो किताब इस प्रकार से अपना शेप चेंज करती है. क्या होता है ऐसा? यस सर. हाँ ठीक है. या अपने बड़े बड़े बुक्स रहते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है. ठीक है, सो अब क्या हो रहा है? दिस फोर्स इज नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस बट इट इज टेंजेंशियल या पैरेलल टू सरफेस. अब यहां पर ये लेंथ चेंज हुई डेल्टा एक्स. सर इसको एक्स क्यों लिया? क्योंकि एल अपन हाइट को लेने वाले हैं. और आपको ध्यान में आएगा कि सर ये लेंथ एल जैसे जैसे चेंज होती है वैसे ये डेल्टा एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है. ठीक है, तो इस केस में जो स्ट्रेस रहता है उसे कहते हैं आप शियर स्ट्रेस. एंड जो स्ट्रेन डेवलप होगा इट इज कॉल्ड एज शियरिंग स्ट्रेन. ठीक है, सो व्हेन अप्लाइड फोर्स इज पैरेलल टू और टेंजेंशियल टू सरफेस देन द स्ट्रेस डेवलप्ड इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस और दूसरा नाम है इसका टेंजेंशियल. एंड द स्ट्रेन इज कॉल्ड एज शियरिंग स्ट्रेन. ठीक है, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला वैसे ही आएगा. कैसे लिखोगे शियर स्ट्रेस को? शियर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अभी सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है. हाँ ठीक है, और लगे तो यहां पर टेंजेंशियल लिखेंगे अपन.
यूनिट वही आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शियर स्ट्रेस का दूसरा नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस। और शियरिंग स्ट्रेन को आप कहोगे अब देखो कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है तो डेल्टा एक्स। कितने हाइट में ये चेंज हो रहा है तो एल हाइट में। अब देखो इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इस ट्रायंगल में डेल्टा एक्स बाय एल ये क्या रहने वाला है टैन थीटा। बहुत बढ़िया दिस विल बी टैन थीटा ठीक है। एंड यहां पर लगे तो लिख लो इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन टैन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा ये रेडियन में रहने वाला है ठीक है। आया ध्यान में ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में क्या हुआ स्ट्रेस या फोर्स जो था ये सरफेस को परपेंडिकुलर था। दूसरे पार्ट में क्या हुआ दूसरे पार्ट में ऐसा हुआ जो फोर्स है वो अलोंग द सरफेस है या टेंजेंशियल टू द सरफेस है ठीक है। यहाँ पर शियरिंग होगा। क्या आपको शियरिंग कहाँ होता है आइडिया है क्या बचपन में आप चोर पुलिस वगैरह खेले हो क्या और वो खींचातानी होती है ना तब अपने शर्ट के बटन टूटते हैं याद है वो शर्ट के बटन जो है वहां पर शियरिंग होता है। कभी कभी तो कांच फाट तो जहां पर बटन फिक्स करते हैं चला पर कांच मन तो वो फटता है कभी कभी फिर अपने को घर जाकर उसको ठीक करना पड़ता है दैट इज शियरिंग की प्रोसेस। या दूसरा शियरिंग कहां पर होता है तो अपनी बैग होती है स्कूल बैग उसमें बहुत ज्यादा सामान अगर रहा तो उसके बेल्ट जिस पॉइंट पर जॉइंट होते हैं ना उस पार्ट का शियर होने लगता है। ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ yes, sir. हाँ ठीक है। सच काइंड ऑफ केसेस आर शियरिंग वाली केसेस। ये जो सर वहाँ पे तो स्ट्रेस डेवलप होगा ना तो शियर स्ट्रेस ही है ना ये स्ट्रेस ही है सिर्फ ये अलग टाइप का है बिकॉज यहाँ पर सरफेस को टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। सर इसको अलग अलग क्यों कंसीडर करना क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टीज इस केस में अलग रहेगी इस केस में अलग रहेगी इसलिए इनको सेपरेटली कंसीडर करना पड़ता है ठीक है। मेनी अ टाइम्स मटेरियल्स ये दोनों चीज को साइमल्टेनियसली एक्सपोज होगी ठीक है। मटेरियल से दोनों चीज को साइमल्टेनियसली एक्सपोज होगी। ये स्ट्रेस ही है फोर्स लगने के कारण ही आएगा सिर्फ अलग टाइप का है। और तीसरा पार्ट भी एक दो मिनट में अपन देख लेते हैं वो बड़ा आसान है उसको आप तुरंत समझ लोगे। When typically
इन केस ऑफ फ्लूइड्स. ठीक है, फ्लूइड के केस में क्या होगा, सपोज ये पानी है और इस पानी के अंदर हमारे पास जो एक बॉडी है उस बॉडी को अपन पानी के अंदर लेकर जा रहे हैं. क्या होगा, जब ये हवा में थी तब इसका शेप अलग था, जब ये पानी के अंदर आ गई तो इसका ओरिजिनल शेप चेंज होकर ये थोड़ी छोटी हो गई. क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज इसके ऊपर सब डायरेक्शन से फोर्स एक्ट हो रहा है. ये आप देखने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में, या क्लास 8 में आपने देखा है कि फ्लूइड बॉडी पर सभी डायरेक्शन से इक्वल फोर्स एक्सर्ट करता है अनलेस एंड अंटिल बॉडी इज टू लार्ज. छोटे बॉडीज के लिए फ्लूइड सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स एक्सर्ट करता है. क्या सही है क्या ये, यहां पर लगे तो हम लिखेंगे. द फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ सरफेस एंड बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी इन हाइड्रोलिक कंप्रेशन. क्या रहेगा, हाइड्रोलिक कंप्रेशन. इस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होगा इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस. The stress developed ठीक है, and it is actually It is equal to pressure. इसी को आप प्रेशर कहते हो ना, ठीक है. And the strain produced is called as volumetric strain. क्या कहा जाएगा इसको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो देखो, स्ट्रेस विल बी फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक. ठीक है, एंड वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेन. अब देखो यहां पर क्या चेंज होने वाला है, लेंथ चेंज होगी, एरिया चेंज होगा या वॉल्यूम चेंज होगा. वॉल्यूम, वॉल्यूम. इसलिए यहां पर आ जाएगा डेल्टा वी बाय वी. ठीक है, सो ऐसे हमारे तीन टाइप के स्ट्रेसेस है, उनके साथ एसोसिएटेड तीन टाइप के स्ट्रेन है.